नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हम जो है आज सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे और आप भी कंपैरिजन उसको सोचिएगा कि वो कैसी शेप होती है। चलिए एक बुक जो है, पुट योर बुक ऑन द टेबल या फ्लोर पर रखिए, ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल या चौक से इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कीजिए। मतलब बुक को आपने टेबल कहीं पे भी रखा, उसकी चारों तरफ की आउटलाइन को करेंगे। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन विद योर बुक, क्या आप कैरी कर पा रहे हैं या कितने डायमेंशन होंगे आप उस आउटलाइन के गिन सकते हैं? यस, दिस आउटलाइन हैज द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप किसी भी बुक के, या ये बुक के आप आउटलाइन चारों तरफ कैरी कर रहे हैं, चारों तरफ आउटलाइन बना रहे हैं, आप देखिए इसकी चारों तरफ आउटलाइन बनाएंगे तो एक लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा, यही तो आएगा ना। लेकिन जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, उसको आप ड्रॉ नहीं कर पाए, है ना। नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ है, दैट इज वाई यू कैन नॉट कैरी इट। ठीक है, उसको कैरी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। कोई भी चीज अगर आपने लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो उसको कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ ब्रेथ है वो टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, वो सारी की सारी, यानी वो सभी फिगर जिनमें सिर्फ दो ही डायमेंशन होती हैं, उन्हें टू डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, इट इज टू डायमेंशनल है। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D? ये बताइए कौन सा है ये फिगर? ये है रेक्टेंगल। कौन सी फिगर है ये? रेक्टेंगल। ये कौन सी फिगर है? सर्कल। सर्कल आपने बनाया भी होगा, कई बार बनाया होगा। और ये है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना, दिस इज व्हाट। आप ये देख रहे हैं कि दो लाइन यहाँ पे पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। नाउ दिस इज, हम देख रहे हैं कि सारी साइड इक्वल है इसकी, तो ये हमें स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, तो इसे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। कैन यू कैरी योर बुक, क्या आप अपने बुक को कैरी कर सकते हैं? यस, अगर लेकिन आपने जो बुक को कैरी तो कर सकते हैं, लेकिन जो अपने बुक की ड्राइंग बनाई उसको आप कैरी नहीं कर सकते। थिंक वाई, आप ये बताइए बुक को कैरी कैसे कर सकते हैं? बॉल की आप सोचिए, बॉल को इमेजिन कीजिए, आइसक्रीम को कीजिए, एलमीरा, डाइस, पाइप या घर में कोई भी चीज है इस तरह की, उसको आप इमेजिन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ इन सभी ऑब्जेक्ट में थिकनेस भी होती है, या हाइट होती है, या डेप्थ होती है। अगर हम घर में सिलेंडर देखें, सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है ना, है ना, तो सिलेंडर कुछ इस तरह का है, तो इसमें हम देखेंगे इसकी थिकनेस भी होती है। ये शेप क्या है? सिलेंडर की शेप है। ठीक है, तो इन सभी इस तरह की जो शेप होती है, जिनमें लेंथ और ब्रेथ के अलावा थिकनेस, हाइट या डेप्थ में से कोई भी एक चीज होती है, उनको बोलते हैं 3D, यानी थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, अब ये देखिए, अभी आप इसका एक एक सरफेस देखेंगे तो ये स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर है ये, बट ये पूरी की पूरी फिगर क्या है? ये है पूरी फिगर क्यूब। क्या है ये? क्यूब। और ये देखिए आप, ये आपकी किताब के पेज की तरह नजर आ रहा है, ये दीवार का एक साइड की तरह नजर आ रहा है। लेकिन अगर सारा सॉलिड देखें आप, इसकी थिकनेस, मोटाई देखिए, ये लेंथ है आप देख रहे हैं ना, और आप ये ब्रेथ है, और ये थिकनेस है इसकी, हाइट या डेप्थ या थिकनेस, जिसको एच कहा गया है। इसमें भी ये साइड हो गया, इधर भी साइड है और ये भी साइड है, LVS बराबर है। ठीक, तो ये है हमारा क्यूबॉइड। क्या कहते हैं इसे? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कहते हैं इसे। नाउ ये क्या शेप है? ये कोन की शेप है, आइसक्रीम जैसी शेप नजर आ रही होगी, या आपने ऐसी और भी शेप्स देखी होंगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी और शेप हो सकती हैं। तो आइसक्रीम है, या बर्थडे में कैप होती है, इसके अलावा और क्या शेप हो सकती है? तो चलिए 3D में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। तो फेस किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। कोई भी सॉलिड है, उसका जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है ना, इसको फेस बोलते हैं। ऐसी फेस कितनी है बताइए? उसको अगर मैं इसको कलर करूं तो आपको दिखा दूं कि ये फेस है, तो ये ऐसी सरफेस कितनी है बताइए? ये फेस कितने हैं? 1, काउंट करते हैं हम इसे, चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो दिखाई नहीं दे रहे, एक तो इधर होगा 4, एक पीछे की तरफ होगा 5, और एक नीचे की तरफ होगा 6। तो टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। ठीक है, वर्टेसेस, वर्टेसेस मतलब कि जो वर्टेसेस है, एज होता है किनारा, बाउंड्री लाइन होती है, और वर्टेसेस आपके कॉर्नर को कहते हैं। अब इस कॉर्नर को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर तो ऊपर हैं। तो 4 अगर ऊपर है तो सेम ऐसी फिगर में 4 कॉर्नर आपके नीचे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे?
तो प्लस चार यानी टोटल हो गया आठ कॉर्नर। इसी से तो सबको जुड़ रहा है, देखिए चार नीचे भी होंगे, एक दो तीन और एक पीछे की तरफ छुपा हुआ है। तो एच कितने होंगे आठ, फेसेस छह है, एच एट है। अब वर्टेक्स की बात होती है, वर्टेक्स मतलब होता है वर्टेसेस जो सॉरी एच ये वर्टेसेस आठ है आपका, चार और चार आठ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब एच की बात होती है जो लाइन है ना, जो फेस की बाउंड्री जो ये लाइन है इनको जो मिलाती है इसको बोलते हैं एच, ये एच है। कितने हैं आप गिनिए, एक तरफ गिनिए, एक दो तीन चार, चार तो इधर दिख रहा है ठीक है, चार इधर है तो चार पीछे भी होगा ठीक है, तो चार और चार कितना हो गया आठ हो गया, चार इधर है चार पीछे। अब आप इधर की गिन लेते हैं, आठ हो गया ना, नौ दस ग्यारह और एक नीचे की तरफ इधर होगा ऐसे यहाँ पे होगा ठीक है। अगर हम इसे ऐसे बना दें, इस तरह से बना दें हम, अगर आपको इधर तो एक ये रहा ठीक है ना, तो टोटल एज हो गए 12 हो गए, कितने हो गए 12। तो फेसेस छह फेस होंगे, वर्टेसेस कोने जो हैं, वर्टेसेस को कोने बोलते हैं, आठ होंगे और एच होंगे 12, किनारे 12 होंगे। आप किसी भी 3D सॉलिड को क्यूब या क्यूबाइड की देखोगे तो इसी तरह से पाएगा आपको। आप कोई भी घर में टेबल देख लीजिए, उसके यही फेस वर्टेसेस एज पाएगा, या बुक के कॉर्नर गिन लीजिए, लूडो की गोटी है, जूते का डब्बा है, या घर के कोने हैं, आप कमरा अपना देख सकते हैं बिल्कुल इसी शेप में है। तो नेट इज शेप ऑफ इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग सॉलिड 3D। देखिए अगर इसको हम खोलेंगे तो किस तरह का होगा वो हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम सबके फेस के बारे में जानते हैं, ये बताइए क्यूबॉइड का कितना फेस होगा। अभी हमने किया क्यूबॉइड के छह फेस होंगे, तो सेम वही क्यूब का होगा, दोनों के सेम सिचुएशन है। एच कितने होंगे इसके, एच 12 होंगे, तो इसके भी एच 12 होंगे। वर्टेसेस कोने, वर्टेसेस मतलब होता है कोने, कोने कितने हैं ये बताइए, आठ कोने इसमें थे तो आठ ये होंगे, दोनों सेम है, बस फर्क कितना है कि क्यूब की सारी साइड इक्वल होते हैं लेकिन क्यूबॉइड की सभी साइड इक्वल नहीं होती है। बट एवरी क्यूब इज क्यूबॉइड एंड एवरी क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूब। सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में देखिए आपको आपको नजर आएगा कि कितने कोने हैं ठीक है। सिलेंडर में देखिए किनारे, देखिए दो किनारे नजर आ रहे हैं और तीन फेसेस हैं ठीक है, एक कर्व है और एक ऊपर सर्कल वाला है, एक नीचे वाला है ठीक है। और एज तो है ही नहीं इसके अंदर, किनारा नहीं है, एज नहीं है सिलेंडर में, फेसेस है तीन फेसेस है ठीक है, एक कर्व है और दो इस तरह के फेसेस है, एक नीचे फेस है एक और एक ये वाला है, तीन फेसेस हो गए। और वर्टेसेस कितने हैं इसके, किनारे किनारा एक ये हो गया और एक ये हो गया नीचे वाला किनारा, जहाँ पे फेस मिलते हैं उनको किनारे बोलते हैं ना, जहाँ पे मतलब एजेस भी होते हैं ठीक है। तो ये आपके पास कितने हैं एजेस, कितने हैं एक मिनट, एज जो है हमारे एज है ना यहाँ पे दो, ये यहाँ पे और वर्टेसेस कोई सा नहीं है, इसको आप लिखिएगा ना। कोन की बात करते हैं, तो कोन की फिगर भी देखिए, कोन में कितने फेस है, तो एक ये नीचे है और एक ये कर्व फेस है, कर्व फेस है, तो ये होगा टोटल दो फेस ठीक है। और वर्टेसेस कोने, इसका कोना एक कोना है, इसका एक कोना पॉइंट है, आपका देखिए ये एक वर्टेक्स है, एक है कि नहीं है, तो इसको आप एक लिख लीजिएगा। और एच कितना है, एच आपका एक ही है, इसका एक ही किनारा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, मैच करना है फिगर्स को ठीक है। तो सॉलिड को अगर हम खोलेंगे तो नेट, अगर प्रॉपर नेट खोलेंगे तो कैसे आएगा, ये कौन सी शेप है, हम ये देख रहे हैं ये क्यूब अगर खोलेंगे तो इसमें छह फेस है, तो 1 2 3 4 5 6 ये खुलने के बाद छह फेस ऐसा खुलेगा, ऐसे सिलेंडर जो है इस तरह से खुलेगा ठीक है, दो ऊपर नीचे सर्कल हो गया और ये रेक्टेंगल टाइप की शेप होती है, रेक्टेंगल को गोल गोल घुमाते, देखिए कागज का पेज लीजिए और उसको गोल मोड़ दीजिए, वो सिलेंडर की शेप बन जाता है ठीक है। कोन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए ये शेप होगा और ये कौन सी शेप है, पिरामिड वाला, ये वाली है ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, स्क्वीज, ये लिखा है कि जब टेट्रा पैक को स्क्वीज करेंगे, या लाइक फ्रूटी या कार्टून बॉक्स आप खोलते होंगे, कभी देखा होगा बॉक्स को खोलते हुए, तो आप हर फ्लैट हर फेस को आप चेक कर सकते हो, तो इस तरह से ही आपको नजर आएंगे खोलने पे, कि अगर इनको आप खोल दिया जाए हर चीज हर पार्ट को तो ऐसे शेप नजर आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।